आज हम सभी को एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम ऐसे प्रभु लोगों के साथ इस शाम को शेयर कर रहे हैं। और जैसा सर ने भी कहा कि 1957 की क्रांति को लेकर के सावरकर जी ने कहा था कि हम कर्जदार हैं उनके, तो हम आज उन सभी के कर्जदार हैं। और हमें कभी इस चीज़ की इस बात को समझना है तो हम अंडमान निकोबार में कभी सर जेल को देखें, या जैसा भी सर ने कहा कि जहाँ पर जलियांवाला बाग है वहाँ पर जाएं, उस दर्द को, उस चीज़ को महसूस करें, तभी हमें पता लगेगा देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज बनती हैं। इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। नमस्कार। आज की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के श्रद्धा के केंद्र माननीय सुरेश जोशी जी, जिनको हम अति आदर के साथ भैया जी जोशी करके पुकारते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह हैं, मंच पे उपस्थित NGT के चेयरमैन आदरणीय जस्टिस आदर्श गोयल जी, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह संधू जी, इस पुस्तक के लेखक पूर्व न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के श्री SN अग्रवाल जी, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुरेश जैन जी, इस सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, समाज जीवन के अनेक प्रमुख हस्ती, युवा साथीगण, पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले भारत विकास परिषद को धन्यवाद देता हूँ आज इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। जस्टिस SN अग्रवाल जी ने दो खंड में आजादी के बारे में, क्रांति के बारे में, विशेष करके अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में एक ऐतिहासिक दस्तावेज, जिसमें जब इस पुस्तक के बारे में आदरणीय सुरेश जैन जी कुछ महीना पहले हमें अवगत कराए, उसमें उन्होंने मेरे को एक विषय समझाया था, विशेष करके लॉ की दुनिया की ज्यादा लोग इसमें आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं, विद्यार्थी भी हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आईन प्रमाण से सिद्ध होती है, तर्क से सिद्ध होती है, एविडेंस एक प्रमुख प्रसंग है कानून की स्थापना करने में। और इस किताब में हमें कहा गया कि विशेष करके पूर्व भारत में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी की केस हो या शहीद भगत सिंह की ऊपर आरोप की सुनवाई हो या उस समय की जो केसेस हुए थे उनकी एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एविडेंस इस पुस्तक में है। और वो काल कैसा है जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अंग्रेजों से आजादी मिलने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी समय में ये दो खंड की पुस्तक जस्टिस SN अग्रवाल जी द्वारा रची, जिसके पीछे अगर जस्टिस आदर्श गोयल जी की एक भाई जैसा मदद ना रहता, प्रोत्साहन ना रहता, शायद किताब आज इस रूप में ना आ पाता। इसलिए मैं जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस गोयल और विशेष करके भारत विकास परिषद को धन्यवाद देता हूँ इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को, इसको पुस्तक कहना भी सीमित हो जाएगा, इस ऐतिहासिक दस्तावेज को दुनिया के सामने 21वीं सदी में रखने के लिए। मित्रों, कोई भी समाज में, कोई भी देश में
विशेष करके बौद्धिक जगत में और स्वाभाविक 20वीं सदी में जब दुनिया अपना प्रगति टेक्नोलॉजी के आधार पे कर रहा है, इसे आत्मविश्वास बढ़ा लोगों में कुछ, तब के लिए एक मौलिक प्रश्न उठाया, क्या ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई आवश्यक है क्या? टेक्नोलॉजी, साइंस, एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक टेंपर, साइंटिफिक नॉलेज, इनोवेशन, इनोवेशन से एंट्रोपिनियरशिप, एंट्रोपिनियरशिप से वेल्थ क्रिएशन से संपन्नता, ये देश की दुनिया की राजनीति की मुख्य शर्त बना, अर्थनीति की शर्त बना। उस समय में ये तर्क आना स्वाभाविक है, क्या मानव संसाधन के ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई की कोई प्रसंग है, प्रसंगिकता कोई रिलेवेंस है क्या? मित्रों, कभी कभी हमको कुछ सत्य को सामना करना आवश्यक होती है। इतिहास ऐसे एक विषय है, इतिहास हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य संस्कृति का आधारित समूह, कोई भी एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी अपने रूट की जाने बगैर, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्यों आया, मेरे विरासत क्या है, ये सारा विषय को बिना जाने भविष्य को प्रगति नहीं कर सकता है। वर्तमान में हम समय बिता सकते हैं, भविष्य को अपने अख्तियार में नहीं ला सकते, इसलिए इतिहास हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, पर विशेष करके इतिहास हमको प्रेरणा देती है। इतिहास हमको अपने कुछ पुराने मूल्यों को याद करवाती है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कई एक सभा में इसको बार बार कहा है, इतिहास भविष्य की दर्पण है, भविष्य को अपनाने के लिए, भविष्य में सफल होने के लिए हमको इतिहास की अध्ययन की जरूरी है। आज ऐसे ही ये किताब लगभग 100 सालों की 1857 से लेकर 1947 तक की जो कालखंड चला, ऐतिहासिक प्रवास चला, उसके ऊपर एक किताब है। इन दिनों में भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी, जब ICHR की भारतीय इतिहास शोध परिषद की 50 साल पूर्ति हुई, उसी अवसर पे ICHR ने एग्जीबिशन लगाया है 200 साल की, लगभग 1957 से पीछे का 200 साल, 1847 के पीछे का 200 साल की एक एग्जीबिशन लगाई, उसको लोकसभा में रखा गया। अभी संस्कृति विभाग भारत सरकार ने उसको देश के 100 प्रमुख स्थानों में उसको लगाने की काम करेगी, डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, यूनिवर्सिटीज में उसको रखा जाएगा, स्कूल्स में रखा जाएगा, देश की गौरव इतिहास के बारे में नौजवानों को, नई पीढ़ी को तैयार किया जाएगा। मित्रों, कभी कभी मेरे मन में आता है, क्या जब हम इतिहास को समीक्षा करते हैं, याद करते हैं, संकलन करते हैं, किस कालखंड को करना चाहिए भारत में? क्या हमारे इतिहास सिर्फ आजादी के अमृत महोत्सव, सिर्फ अंग्रेजों की खिलाफ हमारी जो क्रांति रही, हमारी जो जन आंदोलन रही, उसी कालखंड को हम याद रखें, या उससे थोड़ा पीछे जाए? मित्रों, भारत एक संपूर्ण वैभवशाली देश, अभी इतिहास को थोड़ा समीक्षा करते हैं, पढ़ते हैं, तो गजनी की शासन 917 साल से 1038 साल तक चली, 11वीं सदी में भारत को आक्रांता आए, हमारी व्यवस्था को अपने हाथ में लिए, समाज जैसे भी था। अगर मैं 11वीं सदी से 21वीं सदी तक जर्मनी को हिसाब करूं, मित्रों, यही हो जाता है 1000 साल। अंग्रेज आए भारत में पहली बार 1608 में, 1619 में कलकत्ता तक आ गए थे, 18th सेंचुरी में उनकी राज आ गई थी,
व्यापारी लोग इस देश को राज करने के काम किए। मैं जब हजार साल की प्रवास कहता हूं कि आज हमारे देश में ये हजार साल कैसे प्रवास किया है, इसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है क्या? उस जानकारी के बगैर हम 21वीं सदी में 22वीं सदी में दुनिया को भारतीयता समझा पाएंगे? क्या भारतीयता नहीं समझानी चाहिए? आज वितर्क की आवश्यकता है। भारत विकास परिषद इस वितर्क को आज छेड़ा है। मैं फिर धन्यवाद देता हूं। क्या हम 1000 साल तक रुकेंगे? मित्रों, हम अगर थोड़ा और हिसाब करते हैं, ईसा पूर्व 500 से भारत की मेरे सीमित ऐतिहासिक ज्ञान में मैं 2-3 बात आपके सामने उल्लेख करूंगा। बुद्ध की जन्म ईसा पूर्व 500 से हुई। बुद्ध, जैन, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, चाणक्य की समाज नीति, अर्थ नीति, ये सब ईसा पूर्व 500 की कालखंड में आती है। अगर उसी को अगर मैं एक बेंचमार्क मानूं तो आज तक ईस्वी 2022 तक 2500 साल में दुनिया में शायद कोई सभ्यता नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी हम काशी में अगर पहुंचते हैं, काशी के लोग कहते हैं हम तो एक लिविंग सिटी है, जीता जागता सभ्यता की प्रतिच्छवि काशी में मिलती है। हजारों साल से वो सभ्यता उभी खड़ी है, उसमें अनुभव है, ज्ञान है, इतिहास भाव है और भविष्य के लिए कई प्रकार की प्रेरणा हमको बताती है। इसीलिए कभी एक मौलिक विषय आक्रांता ही आए थे, लूटने के लिए आए थे हमारे नालंदा, तक्षशिला। ये कहा जाता है नालंदा को जब आग लगाया गया तब 2-2.5 साल तक धुआं ऊपर आता। क्या ये भूले काशी के मंदिर को तोड़ने के लिए कलकत्ता में बैठकर किसी ने फरमान जारी किया? क्या इतिहास में नहीं है? आज शायद उसको मैं कहूं और मैं संयोग से आज देश की शिक्षा मंत्री हूं, मैं उसको कहूं तो शायद कुछ मित्रों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये इतिहास है। क्या इस देश के नागरिक, इस देश के नौजवान, विशेष करके नई पीढ़ी, मैं आज सुबह एक समीक्षा ले रहा था, किसी विद्वान ने हमें कहा इजराइल की आज दुनिया के ताकतवर देश बना हुआ है। कोई जनसंख्या के आधार पे क्या है? जनसंख्या तो इजरायली लोगों को बहुत सीमित, ज्यूज की बहुत सीमित जनसंख्या। क्यों? उन्होंने कहा जो देश एक समय आया दुनिया के नक्शा से गायब हो गया, लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी एक निर्णय के हम अपने देश को बचा के रखेंगे, हम अपने सभ्यता को बचा के रखेंगे। इसीलिए उन्होंने जब फिर इकट्ठा हुए देश की आकार लिया, उन्होंने जो प्रारंभिक दिनों में 1-2 काम के उसमें से एक था उनकी जो प्राचीन भाषा था हिब्रू, जिसमें उन्होंने आज जिन्होंने मेरे को कोई सिविल इंजीनियर की विद्वान मेरे को मिले, उन्होंने कहा इजरायलियों ने जो ड्रिप इरिगेशन के बारे में आज कल्पना दुनिया को ज्ञान दे रहे उसकी मूल लेख हिब्रू भाषा में लिखित था, और हिब्रू भाषा को उन्होंने पहले पढ़ाया, परंपराए की ज्ञान को इकट्ठा किया और उसको आधुनिक समय में प्रासंगिक करके इंप्लीमेंट किया। इसीलिए आज इजराइल दुनिया की एक महाशक्ति बना है। अब बताइए जिस देश में वैज्ञानिक प्रमाणित आधारित लोक कथा आधारित इतिहास की दस्तावेजों में सहज 2500-2500 सालों की रचना मिलती है, साहित्य मिलती है, क्या हमें उसको लेकर आगे नहीं बढ़नी चाहिए? उसको आप फाउंडेशन स्टोन नहीं माननी चाहिए? यह आज वितर्क के विषय है मित्रों। इसीलिए मैं कहता हूं आज इतिहास को हम ऐसे देखें जो हमको भविष्य के मार्ग दिखाए। और आज अमृत काल में प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस किताब में मैं कई चीज पढ़ रहा था, शायद आज की पीढ़ी को कई सारे विषय जानकारी भी नहीं, किताब उसकी सहायक हो।
अनसंग हीरो, अज्ञात गुमनाम नायक जो हमारी देश में रहे, और आजादी के उपरांत एक रचना बनाई गई, रचना बनाई गई जैसे इतिहास को कुछ एक घंटों में सीमित करने का, कुछ एक सालों में सीमित करने का कोशिश किया गया, दो चार खानदानों में सीमित करने का कोशिश किया गया। लाखों लोग सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों हजार साल से इस देश की सभ्यता को बचा कर रखे, उसको हमारे इतिहास हिस्सा नहीं बनाया गया। आज समय आया है उसको, उस गुमनाम नायकों को भारत में से सहज गिने, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बीरबल, तोड़रमल, तोड़रमल की साहित्य को अगर उनके बारे में हम पढ़ते हैं तब क्या मिलता है। आज भी आधुनिक भारत की जो टैक्स मैकेनिज्म है, इन्होंने ब्रिटिशों ने खड़ा किया। ब्रिटिशों ने किससे लिया? उन्होंने अकबर की राज से लिया। अकबर की राज में किसने बनाया? तोड़रमल ने बनाया। क्या यह हमारे लिए गर्व की विषय नहीं होनी चाहिए? हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, हमारी लैंड एक्सचेंज की मॉडल क्या था, हमारी रेवेन्यू कलेक्शन की क्या मॉडल था? मित्रों, ये आज आधुनिक समय में पढ़ने की आवश्यकता है, संयोग है। हमें आज शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला है, और भारत सरकार कम से कम ये 2500 साल की जो प्रवाह रही है, हमें किसी को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। ये विवाद कुछ मित्रों के मन में आती है, कुछ मित्र एक अपने से एक तत्व लाते हैं, क्या इतिहास को बदलना चाहते हो? हम नहीं बदलना चाहते। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आज इस भारत विकास परिषद की मंच पर कहना चाहता हूं, हम इतिहास की कोई पुनर्लिखन नहीं करेंगे, हम इतिहास को नहीं बदलेंगे। ऐतिहासिक सत्य को जैसे ऐसे नगरवाल जी ने सामने लाया है, ऐसे सारे ऐतिहासिक सत्य को हमने सामने लाएंगे। देश की हक है, इस देश के कारण दुनिया के हक है। ये प्राचीन सभ्यता क्यों ऐसे चलते आ रही है? इसीलिए इस देश के इतिहास को 300 ऐसे व्यक्तित्व, 30 ऐसे साम्राज्य हैं, जिन साम्राज्यों ने, मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों में कितने विद्यार्थियों को मालूम है भारत की पूर्वोत्तर में सूखा पाकर कैसे सम्राट थे, जिन्होंने भारत की एकता के लिए, भारतीयता के लिए एक साम्राज्य प्रतिष्ठा किया, एक वीर व्यवस्था प्रतिष्ठा किया, क्या उसके बारे में पंजाब के नौजवानों को जानना नहीं चाहिए? क्या लचित बरफुकन की त्याग को देश को नहीं जानना चाहिए? क्या उड़ीसा के सामान्य कोई गिरिजन आदिवासी दलित परिवार से आया हुआ लक्ष्मण नायक की कहानी कोई कम था? क्या 12 साल की कोई बाजीराव अगर अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ साहस दिखाते हुए अपने सीने पे गोली लिया, क्या इस देश उसको नमन नहीं करनी चाहिए? मित्रों, यही समय आया है, आज आइए, हमें एक लंबी लकीर खींचने के काम की आवश्यकता है। मैं फिर जस्टिस अग्रवाल और भारत विकास परिषद को धन्यवाद देता हूं, ऐसे एक महान काम को आपने अपने हिस्से की। ये कोई संगठन की काम नहीं हो सकती है, ये कोई व्यक्ति की काम अकेले की नहीं हो सकती है, या ये कोई सरकार की काम नहीं, पूरा संपूर्ण समाज इस काम पे जुटे, सरकार भी जुटे, गैर सरकारी संस्था भी जुटे, समाज के सारे घटक अपने आप में, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, इसकी जो गौरवमय ऐतिहासिक बैकग्राउंड हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम लोग जिए, हम लोग उसको आगे बढ़ाए। इसी शब्द के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें किसी को छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुद अपना इतिहास इतना समृद्ध है कि सिर्फ हम उसका ही अनुसरण कर रहे हैं, उसको ही देख रहे और समझ रहे। अभी एक छोटी सी घोषणा में और अगर जस्टिस एसएन अग्रवाल साहब की तरफ से करना चाहूँगा, उन्होंने क्योंकि कुछ यहाँ स्टूडेंट्स भी, लॉ के स्टूडेंट बैठे हुए हमारे बीच में, तो उन्होंने कहा है कि उनके लिए जो पुस्तक है
पर वॉल्यूम 400 है, लेकिन दोनों वॉल्यूम अगर हम लेते हैं तो 500 में उनको मिलेगा। और खुदा पटेल साहब के ऊपर भी एक उन्होंने पुस्तक लिखी है, बहुत जल्दी वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं इस स्टॉल से इस प्रोग्राम के बाद, वो 500 में दोनों वॉल्यूम ले सकते हैं। इसी क्रम में जिनको हम बहुत देर से सुनना चाह रहे हैं, माननीय सुरेश भैया जी जोशी जी को आमंत्रण देना चाहूंगा। माननीय सुरेश जी भैया जी आए और मार्गदर्शन करें। माननीय सुरेश जी भैया जी सर, आपका मंच पर विराजमान भारत सरकार के सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र जी प्रधान, जिन्होंने इस विषय का अध्ययन करते हुए हम सबके लिए एक सामग्री उपलब्ध कराई, ऐसे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आदरणीय अग्रवाल जी, एनजीटी के चेयरमैन और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आदरणीय आदर्श गोयल जी, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष और इस सभागार में उपस्थित सभी सुधी जन सज्जन वृंद, बहनों तथा भाइयों, वास्तव में अध्ययन पूर्वक लिखने का काम तो अग्रवाल जी ने किया, गरुड़ प्रकाशन ने उसको हमारे लिए उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। भारत विकास परिषद ने इस ग्रंथ को हम सबके सामने लाने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया। और इसके बाद और सब हमने विचार भी सुनी, मेरे मन में आया प्रश्न किया, बोलने की आवश्यकता क्या है। अगर आप भी अंतकरण से सोचेंगे तो वास्तव में बोलने की आवश्यकता नहीं, इस मेरे विचार से आप 100% सहमत होंगे, परंतु न आपका कोई विकल्प है न मेरा कोई विकल्प, जैसे विकल्पों में फंसे हुए हैं। मैं प्रारंभ में ही भारत विकास परिषद के और इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतने अल्प समय में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हुए इस ग्रंथ के लोकार्पण का आज यह कार्यक्रम हम लोग संपन्न कर रहे हैं और मुझे उसमें उपस्थित रहने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आयोजकों को अंतकरण से धन्यवाद। पुस्तक तो और स्वतंत्रता युद्ध के संदर्भ में है, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में है। ১৯৪৭ में देश स्वतंत्र हुआ, हम इस समय 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो यह अवसर है कई बातों के स्मरण करने में। आसानी से तो स्वतंत्रता नहीं मिली, 1857 में इस समय का जो संघर्ष हुआ 1857 में प्रारंभ हुआ, 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, तो 90 वर्ष का संघर्ष का परिणाम है अपना देश स्वतंत्र और हम अपने आप को एक स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाने का अधिकार हम सबको मिला, परंतु इसके कारण मिला उनका स्मरण करने का ये कार्यक्रम है। श्रीमान अग्रवाल जी ने इसका एक झलक हम सबको
प्रस्तुत किए हैं। हम अवश्य ही इस पुस्तकों को खरीदेंगे, केवल खरीदेंगे नहीं तो पढ़ेंगे। आपके घर में परिवार में आने जाने वालों को भी उसको देख कर कुछ प्रेरणा मिली। गरुड़ प्रकाशन का क्या नाम होगा वो अलग था, लेकिन इस ग्रंथों के द्वारा समाज निश्चित रूप से जागरूक होने की दिशा में एक अच्छी पहल के रूप में इसको देखना चाहिए। वास्तव में अगर हम अपने इतिहास को अगर हम देखते हैं तो आश्चर्य इस बात का लगता है कि कोई लुटेरे आकर आक्रमण करने के लिए आए और भारत को लूट कर चले गए। कुछ लूटने के लिए आने के बाद उनको लगा कि हम इस देश पर हम राज्य कर सकते हैं, और इसलिए अपने पीछे किसी लोगों को सत्ता में बिठा कर 700-800 वर्षों तक इस देश के ऊपर राज किया। आए थे लूटने के लिए, बाद में व्यापार करने के लिए आए हुए लोग, व्यापार करने के लिए आया हुआ व्यक्ति जो सोचता है ये देश ऐसा है कि इस पर राज किया जा सकता है, गुलाम बनाया जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और यहाँ व्यापार करने के लिए आती है और 150-200 वर्ष ही देश को गुलाम बनाए रखती है और इंग्लैंड की सत्ता उसको चलाती है। अगर हम विश्व के नक्शे पर मानचित्र पर इंग्लैंड का नक्शा अगर हम देखेंगे कितना है, शायद उत्तर प्रदेश भी उससे बड़ा है, और इतने दूरी पर रहकर उन्होंने साम्राज्य किया है। मैं समझता हूं कि हम सब भारतीयों के लिए ये चिंता अध्ययन चिंतन का विषय है कि कोई भी लुटेरा आता है, कोई आक्रमक आता है, कोई एक व्यापार करने के लिए आता है और उनको गुलाम बनाकर चला जाता है, परंतु इस 75वें इस वर्ष के उपलक्ष्य में इन सब बातों का स्मरण करना करते हुए आगे बढ़ना है। स्वतंत्र तो हुआ 1947 में, हम स्वतंत्र हुए उसकी अनुभूति हुआ इसके लिए और कई वर्ष बीत गए। आज हम भारत के लोगों को अनुभव कर रहे हैं कि हाँ हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक है, विश्व के मंच पर भारत का गौरव जो बड़ा है उसके कारण हमको अनुभूति हो रही है कि हाँ हम स्वतंत्र हैं, और वो गत 8-10 वर्षों का ही कार्य की है। देश का मूल्यांकन, उसका वैभव, उसकी संपदा, वो उसके कुछ नापदंड हो सकते हैं, लेकिन एक सामाजिक जीवन का इतिहास ये बताता है कि उस देश का गौरव, उस देश के लोग कैसे हैं उस पर। एक वियतनाम जैसा छोटा देश अमेरिका जैसे सबल राष्ट्र के सामने लड़ने के लिए अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो गया। उस समय की बात है, किसी ने पूछा कि आप इतने छोटे से हो, कितने वर्ष लड़ाई करोगे अमेरिका के साथ। तो वियतनाम के कोचिमिन नेतृत्व करने वाले उन्होंने कहा कि तो अमेरिका को तय करना है कि हमारे साथ कितने साल लड़ना है। तो किसी ने कहा कि अमेरिका की तैयारी तो 20 साल की है। तो कोचिमिन कहते हैं हमारी लड़ने की तैयारी 21 साल। ये देश होता है इसराइल जैसा एक सामान्य छोटा देश सारे शत्रुओं से घिरा हुआ, पर आज गौरव किसका है? इसराइल।
एक समाचार पत्र में एक कार्टून छपने पर एक व्यंग्य चित्र छपा था, इसराइल की सीमा पर एक सैनिक हाथ में बंदूक लिए खड़ा है। कोई पत्रकार, माफ करिए, पत्रकार को अध्ययन करने वाला को कुछ भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वो सैनिक को पूछ रहा है कि तुम्हारे बाई ओर अरब है, पीछे अरब है, सामने अरब है, दाई ओर अरब है, क्या होगा? तो कहते हैं भगवान उनका भला करेंगे, कहीं पर भी गोली लगाऊंगा तो एक आदमी जाने वाला है, जो ये जो भाव है वो मेरा शत्रु ही जाने वाला है। देश इस प्रकार की भावनाओं के बल पर जब खड़ा होता है तो बाकी बातें मैं कहूं ना मुझे ऐसा नहीं कहूंगा, पर बाकी बातों पर मात की जा सकती है, कोई समस्या है। इसलिए देश का सामान्य जन इस अमृत महोत्सवी वर्ष में उस गर्व को अनुभव करे, उस स्वाभिमान को अनुभव करे, लेकिन उसका बीज कहीं ना कहीं इतिहास में होता है। और इसलिए अपने यहाँ का स्वतंत्रता संग्राम ये बहुत प्रेरणा देने वाला है, जीवन को दिशा देने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला है। उस इतिहास को सही शब्दों में और सही संदर्भों के साथ पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। हमने तो हमारे बचपन में जो इतिहास पढ़ाया वो तो यही पढ़ाया है कि हम कैसे गुलाम रहे, कैसे हमारे ऊपर लोगों ने राज किया, कैसे कानून बनाए, उसमें कोई पुरुषार्थ का इतिहास नहीं। और अंग्रेजों ने इस देश के सारे सुविधाओं को निर्माण करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई, उसको ही हम रटते रहे, उसी पर परीक्षाओं में प्रश्न आते थे, उसी का जवाब लिखते थे और उसी पर मार्क मिलकर हम पास होते। तो दिमाग में क्या है, मन मस्तिष्क में उतरा क्या है? कभी बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं तो बहुत प्रामाणिक रहते हैं, सहज रहते हैं, कोई सोच समझ कर जवाब एकदम बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है, कभी कभी सहज मन के अंदर की भाव प्रकट होता है, कहते हैं अंग्रेजों का राज्य बड़ा अच्छा था, कह देते हैं क्यों थे। तो एक मानसिकता इस समाज के अंदर बन गई कि हमारे ऊपर राज्य करने वाले लोग आएंगे, हम गुलाम बने रहेंगे। इस मानसिकता से बाहर लाने का अगर कुछ काम हुआ है तो वो 1857 से प्रारंभ होगा और 1947 में उस संघर्ष की, उस संग्राम की कहीं ना कहीं एक चरण पूरा हुआ 90 वर्ष तक। वास्तव में इतना समय लगने की आवश्यकता नहीं, पर कुछ कमियां रही होगी, उस कमियों को मैं और मैं ये नहीं कहूंगा, हो सकता है कुछ कमियां रही, परंतु इस प्रकार का ये जो संग्राम है 90 वर्षों का, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता 3-4 प्रकार के शब्दों में की जा सकती है कि अपने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान की सीमाओं से लेकर और उधर मणिपुर की पहाड़ियों तक सारा देश इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष के लिए संग्राम के लिए खड़ा हुआ, ये पहला अनुभव। दूसरा एक अनुभव कहा जा सकता है, सारे देश को एक स्वर दिया, वंदे मातरम चला, भारत माता की जय जयकार चली, इसे दो प्रकार की घोषणाओं ने व्यक्ति के हृदय के अंदर अंतःकरण में प्रवेश किया। देश को हमको गौरव के स्थान पर ले जाना है, संघर्ष करने के लिए है सामान्य व्यक्ति, तो सामान्य व्यक्ति सोचता है लड़ाई करना है, राजा महाराजाओं का काम है, क्रांतिकारकों का काम है, कुछ इन्हें गिने चुने हुए लोगों का काम है। लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम की एक विशेष बात रही कि जन सामान्य इस वंदे मातरम के नाते नारे के साथ, भारत माता की जय जयकार के साथ इस संग्राम में एक सैनिक के नाते उतरा है। ये भी
विश्व समुदाय के इतिहास में। परंतु 1857 में जिन्होंने संग्राम के एक बीज डाला, वो जो उतरा जो पनपा, तो उसमें एक सामान्य जन खड़ा हुआ और कहीं ना कहीं 1942 के इसमें देश भारत छोड़ो इस आंदोलन में सामान्य लोग उतरे और सामान्य सामान्य विषय बताते गए, बस ये करोगे तो हम अपना देश स्वतंत्र होगा। तो क्रांतिकारक पुरुषार्थ करने वाले बलिदानी शहीद हुए, अपना जीवन समर्पित कर दिया, जगाने वाले लोग रहे, आंदोलन का स्वरूप सामान्य बना रहे, इसके लिए प्रयत्न करने वाला एक नेतृत्व रहा, इन सबके प्रयासों का परिणाम 1947 में देश अपना एक स्वतंत्र रूप में सामने आया। इस समाज का इतिहास देखा तो संघर्ष बता ही देता है। किसी ने कहा है कि समूह है और संघर्ष नहीं होगा, ऐसा नहीं। अलग अलग प्रकार की आकांक्षाएं रहती है, विचार रहते हैं, सोच रहती है, तो संघर्ष होता है। तो समाज जीवन संघर्ष को देखता है, समाज जीवन भारत के आक्रांताओं के साथ संघर्ष को भी अनुभव करता है, कभी पराजित होता है, कभी विजयी होता है। परंतु इस सारे इस प्रकार के संघर्ष में आखिर बचता कौन है, हमारे लिए बड़े आश्चर्य करने की बात है कि इतने सारे आक्रमणों के बाद प्रश्न निर्माण होना चाहिए कि भारत बचा क्यों, खत्म क्यों नहीं हुआ। एक एक हजार वर्ष हम किसी के दूसरों की छत्र छाया में जिए और फिर भी हम जीवित रहे, आज हम कहने के लिए समर्थ से शक्ति के साथ खड़े, इसका भी कुछ कारण है। जिसको कभी इकबाल ने कहते वो कहा कि जो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं है, बात वो बात क्या है, उसका स्मरण करना है। जय होता है, पराजय होता है, हार जीत होती है, कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, परंतु इस आगे पीछे होते होते आगे जाने वाला जो है उसके अगर हम विचार करेंगे, अध्ययन करते हैं, तो जो मूल रूप से सशक्त है वही आगे जाता है। मूल रूप से जिसका कुछ एक विशेषताएं हैं वही आगे जाता है। और भारत चिंतन के क्षेत्र में हो, आचरण के क्षेत्र में हो, व्यवहार के क्षेत्र में हो, किसी प्रकार के भी क्षेत्र में हो, यह एक सशक्त देश रहा है। और यही बीज कोई समाप्त कर नहीं सका, आक्रांत आए, थोड़े दिन राज्य करके चले गए, इस देश को समाप्त नहीं कर सके। इस अस्तित्व को सुरक्षित रखने वाली एक बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की समाज की शक्तियां निरंतर सक्रिय रही है, इसका परिणाम है कि हम समाप्त नहीं हुए, केवल अंग्रेज चले गए और अपना देश अपना साम्राज्य आ गए, इतना ही, इसको इतना सीमित मात्रा में नहीं देखना है। मैंने कहा कि 47 में एक चरण हम लोगों ने खोला, और इसलिए कभी पीछे हटे होंगे, कभी हार गए होंगे। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने ऐसे इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए ऐसे 6 कालखंड निकाले कि जिसमें देश का गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, देश का पुरुषार्थ प्रकट हुआ है। उसको उन्होंने 6 स्वर्णिम पृष्ठ इस प्रकार की पुस्तक में अंदर उनको संकलित किया हम सबके सामने। मैं समझता हूं कि आज अमृत महोत्सव वर्ष में हम भारत के लोग 7वां स्वर्णिम पृष्ठ लिखने जा रहे हैं, 7वां स्वर्णिम पृष्ठ। भारत को ललकारने वाली शक्तियां नहीं है, भारत को दुर्बल समझने वाले गलती करे, भारत को गरीब पिछड़ा देश मानने वाले भूल कर रहे हैं। आज कई प्रकार के क्षेत्रों में भारत का युवक, भारत की नारी शक्ति, भारत का वैज्ञानिक आज विश्व के मंच पर जाकर अपनी ध्वजा लेकर खड़ा है। और इसलिए यह
47 के बाद के परिवर्तन को नापने की समझने की एक आवश्यकता तो है। और इसलिए कभी कभी होता है पराजय होती तो थोड़ी निराशा आ जाती है, और विजय होते बजरा अहंकार भी चढ़ जाता है। तो किसी ने कहा है कि पराजय में निराश मत होइए और विजय में अहंकार में फिर एक बार शिथिल मत करो, व्यक्ति अहंकार में शिथिल हो जाता है। और इसलिए इस प्रकार का आज का कालखंड इसमें और भारत की एक बात किसी प्रकार के भी दुनिया के विश्व के विभिन्न प्रकार के शक्तियों के षड्यंत्र का शिकार न बने, ये जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, ये इन्हें इन्हें चिन्हे लोगों का काम नहीं। कुछ लोग करेंगे हम तालियां बजाएंगे, नहीं चलेंगे, हम सबको करने वाला बनना है। और इसलिए आज के संदर्भ में अगर विचार करने की कुछ बातें हैं तो ये सोचना है कि आज भी हम कौन सी बातों में परावलंबी है, स्वतंत्र नहीं है, ऐसी कुछ बातें होगी। कई बातों पर हमको विश्व के अन्य अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता होगा, उस निर्भरता से हमको आने वाले दिनों में अपनी युवा शक्ति के बल पर उससे बाहर आना है, एक चुनौती अपने सामने। दूसरी चुनौती है कि जब शक्ति बढ़ेगी तो फिर एक बार इस देश के अस्तित्व के सामने चुनौतियां खड़ी करने वाले शक्तियां आएगी। हम भारत के लोग जानते हैं कि यहां का इतिहास ही और देवासुर संग्राम कर रहा है। हम कितने भी अपने ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें दैवी शक्ति और असुरी शक्तियों का संग्राम यही भरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा धर्म और अधर्म का संघर्ष होगा, यहाँ पर हमेशा सत्य और असत्य का संघर्ष हुआ है, यहाँ पर हमेशा न्याय और अन्याय का संघर्ष हुआ है। इतिहास ये बताता है कि यहाँ पर हमेशा सत्य की जय हुई है, न्याय का विजय पक्ष विजयी हुआ है, धर्म का पक्ष विजयी हुआ है। और अगर ये अनुभव है, ये सत्य है, तो इस देश को आने वाले दिनों में अपने स्वयं के अस्तित्व और सुरक्षा और अपनी पहचान के लिए अपने पुरुषार्थ को जागरूक करते हुए खड़ा होना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत में रहने वाली, दुनिया के जनसंख्या की तुलना में भारत में सबसे अधिक युवा शक्ति रहेगी। और अगर ये वास्तविकता है तो तीसरा मैं कहूंगा कि आज की युवा शक्ति को दिशा देने वाला कौन है, मार्गदर्शन करने वाला कौन है, उस प्रेरणाओं को जगाने वाला कौन है, क्या आज हमारे विश्वविद्यालय उस प्रकार की भूमिका निर्वहन करेंगे कि भारत के टुकड़े करने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, चुनौती है, युवा शक्ति को किस दिशा में ले जाना है। स्वाभिमान, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, ये शब्द प्रयोग हम सुन रहे हैं। जब तक हम अपने स्वाभिमान को जगाते हुए सब प्रकार के दूसरों के ऊपर जीने वाली परावलंबन से मुक्त नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक यह देश खतरा ये रहेगा, फिर हम किसी की ओर देख कर जाएंगे। एक कवि ने कहा है, औरों के गुणगान से कभी देश बड़ा नहीं हुआ। अभी हमें औरों के गुणगान नहीं, हमको अपने स्वयं के गुणगान के गीत तैयार करना है, लिखना है, रचना करना है। ये कभी होता है तो समाज में दृश्य करता है, तो चुनौती को हम स्वीकारेंगे। हमें अपने आप को स्व को समझना है। हो सकता है कुछ कमियां होंगी, उस कमियों को दूर करने का पुरुषार्थ अपन बाहर की ओर करेंगे। आज एक बुराई बात बताना चाहूंगा, मैक्स मुलर का मैं नाम सुना है। मैक्स मुलर के 6 प्रसिद्ध भाषण है, अभी भारत के अपने कई भाषाओं में उसका और प्रकाशित हुए हैं। वो भाषण किसके सामने है,
तो जो अंग्रेज सरकार भारत में प्रशासकीय अधिकारियों को भेजने की एक एक टोली तैयार करते थे, ऐसी एक समूह के सामने मैक्स मुलर के 6 दिन 6 भाषण है। वो कहता है कि आप भारत में जा रहे हो, भारत को समझो, भारत क्या है। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज भारत। हम जाकर भारत पर शासन करेंगे इस अहंकार में मत जाइए। भारत से सीखने के लिए क्या है इसको पहले समझो, तो हम सिखाने वाले। और इसलिए अगर हमको आने वाली चुनौतियों को इस प्रकार का स्वीकार करना और इसलिए अध्ययन भी करना पड़ेगा, इसके लिए ग्रंथ है, इतिहास की पुस्तकें हैं, यहाँ के ऋषि मुनियों का चिंतन है। स्वाभिमान जब तक हो जब अनुभव करता है व्यक्ति कि हमारे पास एक बहुत बड़ी ज्ञान संपदा है, तब तब एक स्वाभिमान जागता है, हमने कुछ कर लिया। इस स्वाभिमान इस स्व को जगाने के बाद और क्या अध्ययन, अध्ययन करने वाले केवल अध्ययन करने वाले न रहे तो वह अपने व्यक्तिगत जीवन को शुद्धता के आधार पर इस देश के लिए समाज के लिए हमको करने वाले बनना है, तो संस्कार भी उसके साथ आवश्यक है। परंतु ऐसे संस्कारित सज्जन शक्ति तो कुछ कम नहीं है, बहुत बड़ी है, सज्जनों की कमी नहीं है। इसलिए चाणक्य का स्मरण हमको करना पड़ता है। चाणक्य ने एक बार कहा है कि इस देश का नुकसान दुर्जन शक्ति में किया, ये सत्य है, और उससे भी ज्यादा नुकसान देश के सज्जन लोगों के निष्क्रियता के कारण हुआ है। अब हमारे सामने चुनौती है कि सज्जनों की निष्क्रियता ये देश के लिए हानिकारक है। इसलिए अध्ययन तो करेंगे, स्वयं के जीवन को शुद्ध बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ देश के विकास के संदर्भ में, देश को आगे ले जाने के संदर्भ में मैं मेरी अपनी कुछ भूमिका है ऐसा सोचने वाला भारतीय व्यक्ति, ये भविष्य की आवश्यकता है, इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। केवल समर्पण भी पर्याप्त नहीं, आवश्यकता है तो बलिदान होने के लिए तैयार है। लेकिन हम इस विचार को मानने वाले लोग हैं कि आने वाले दिनों में देश के लिए मरने वालों से भी ज्यादा देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए, हम जीने वाले बने हैं। इस अमृत महोत्सव वर्ष के निमित्त से हम इसका एक संकल्प लें कि हम देश के लिए जीने वाले बनेंगे। प्रेरणा मार्गदर्शन उसकी कोई अनुभव कभी नहीं पड़ेगी। अग्रवाल जी जैसे व्यक्ति हैं, आदर्श गोयल जी जैसे व्यक्ति है, आप में से भी यहाँ बहुत महानुभाव ऐसे हैं जो अपने जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हुए आने वाले पीढ़ी को जीने की प्रेरणा देंगे, जिसके बल पर जैसा चाहिए वैसा भारत विश्व को दिखाई देगा। और इसलिए इतिहास के आज के संदर्भ में जो हम लिखते हैं तो भविष्य का इतिहास लिखने वाली पीढ़ी तैयार करना है। आज स्वतंत्रता के कई आयाम है, सभी आयामों पर काम करना पड़ेगा। धार्मिक क्षेत्र में काम करना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, सामाजिक बुराइयों से मुक्त करते हुए आदर्श समाज जीवन विश्व के सामने प्रस्तुत करना है। यहां केवल विद्वान नहीं तो एक विद्वान एक आचरण में लाने वाले उसका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार के आदर्श जीवन खड़े होने की आवश्यकता है। आज तक संतों ने काम किया, आध्यात्मिक क्षेत्र के महापुरुषों ने काम किया, क्रांतिकारक बलिदानियों ने काम किया, समाज सुधारकों ने काम किया, उसके परिणाम स्वरूप आज का भारत हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। भविष्य के पीढ़ी इससे भी गौरवान्वित होने वाला भाव दर्शन अपने देश में कर सके, इस प्रकार का देश खड़ा करना, यह इस अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबका संकल्प बने। देश का नेतृत्व इस दिशा में हम सबको साथ में ले जाने के लिए तैयार खड़ा है, आवश्यकता है कि हम कितने तैयार है, बस यही विचार करने का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भैया जी जोशी जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए फिर से नमन।
और आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूँगा अध्यक्षीय उद्बोधन एवं धन्यवाद के लिए श्री गजेंद्र सिंह चंदू जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद है, तो कृपया आए। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर विराजमान आदरणीय भैया जी जोशी, भारत सरकार के ओजस्वी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय आदर्श गोयल जी, जस्टिस आदर्श गोयल जी, जस्टिस एस एम अग्रवाल जी, और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हमारे भिन्न न्यायाधीश जो हैं इस सभागार में उपस्थित है, मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने समय निकाला, आप सबने समय निकाला, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए खड़ा होने के लिए कहा गया है, साथ ही मुझे जो सारणी मिली उसमें 10 मिनट भी लिखा है, लेकिन मैं 10 मिनट लेने वाला नहीं हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर हम गंगा के किनारे खड़े हैं और बिना डुबकी लगाए चले आए, ठीक नहीं होता। उतना सा विचार मैं अपना जरूर रखना चाहूँगा इस धन्यवाद ज्ञापन में। हमने क्रांतिकारियों के बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन आज जो स्थिति आई है और जैसा वातावरण देश के अंदर बना है और जो ये पुस्तक निकल के आई है सामने, इसको जब अंदर खोल के पढ़ेंगे करतार सिंह सराभा जी के बारे में, बहुत सारी घटनाएं हैं उसमें, बहुत समय निकल जाएगा। तो क्या लगता है, हम क्योंकि एक सामाजिक संगठन के हिस्सा हैं, हम जानते हैं कि कोई भी समाज उसको अगर खड़ा होना है, ताकतवर होना है, तो उसको संगठित होना पड़ता है, और केवल संगठित हो तब भी कुछ नहीं कर पाता। 100 लोग इकट्ठा हो गए वहीं बैठ गए, क्या करेंगे। लेकिन संगठित वालों को संगठन में क्योंकि शक्ति होती है, तो वो समाज शक्तिशाली हो जाता है, और केवल शक्तिशाली बना रहे और करे कुछ नहीं तो भी कुछ नहीं होता। तो उस समाज को संगठित होना, फिर शक्तिशाली होना, उसके साथ साथ जागृत होना पड़ता है। 1000 लोग एक स्थान पर आकर 2 रातों के लिए सो गए, क्या करेंगे। जागृत भी रहना पड़ता है, और जागृत है लेकिन बिस्तर से उठे ही नहीं, क्या करेंगे। इसका मतलब सक्रिय भी होना पड़ता है। यहां तक मैंने आज तक पढ़ा था, इस सभागार में इतना कुछ सुनने के बाद और उसकी बात आने के बाद मुझे लगा कि इसमें एक चीज और जुड़ती है जागृत और सक्रियता के बाद, वो है सन्नद्धता। यानी किसी संकट को देखकर उसका मुकाबला करना। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने उस समय की परिस्थिति के अनुसार उस मुकाबले को छोड़ा नहीं। आज के युवाओं के लिए यह संदेश है कि अगर देश के युवा सशक्त हैं, वातावरण भी बन गया है, तो किसी चीज के लिए अपने आप को खड़ा करके सन्नद्धता के लिए, मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाएं, ऐसी सक्रियता हमारे देश के अंदर आनी चाहिए। ये मैं इस पुस्तक के विमोचन के समय समझ रहा हूं। ये अगर आता है, और क्योंकि हमारा जो संगठन है उसका नाम है भारत विकास परिषद, तो निश्चित है भारत और उसके विकास के लिए हमारा संगठन सब कुछ करेगा, और उसकी आवश्यकता जो देश के गणमान्य नागरिक हैं, धनमान्य नागरिक हैं, बुद्धिमान नागरिक हैं, सब तरह से जो संपन्न हैं, वो अगर एक देश को एक स्प्रिंग के रूप में लिया जाए, तो वो उसके स्प्रिंग का ऊपर का रोल है, और जो देश का सबसे गरीब व्यक्ति है वो स्प्रिंग का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है। स्प्रिंग पे वजन तो ऊपर से नीचे तक बराबर ही पड़ता है, हम स्प्रिंग के उस ऊपर वाले रोल का संपर्क भारतवर्ष के उस दीनहीन छोटे सबसे नीचे वाले स्प्रिंग के से कराने के लिए भारत विकास परिषद को खड़ा करते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष। इसलिए भारत के विकास के लिए जो कुछ भी संभव होगा वो भारत विकास परिषद करेगा, ये मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। एक बात और है, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा गौ हमारी माता है, गौ 2 घंटे चरती है, लेकिन हम जानते हैं कि उसको 4 घंटे जुगाली करती है बैठकर। जितना कुछ हमने यहाँ सुना है उसको हम मनन करेंगे, जिसको मैं जुगाली कहता हूँ,
तो मैं समझता हूँ देश का स्वास्थ्य बढ़ेगा और हम लोगों का भी संपर्क भारत विकास परिषद के साथ बढ़ेगा। जहां जहां से देश खड़ा हो सकता है वहां वहां अगर हम सब लोग अपना सहयोग करने लग जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि भारत विकास परिषद की ओर से किया गया ये कार्यक्रम बहुत सफलता प्राप्त करेगा। फिर अंत में आप सब लोगों का कीमती समय आपने यहाँ निकाला, भारत विकास परिषद के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आए, क्रांतिकारियों का सहयोग देने के लिए भी आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। माननीय संदूजी, जिस तरह से आप और भारत विकास परिषद आपकी पूरी टीम इस देश के निर्माण में अपना सहयोग दे रही है, इसके लिए सर हम भी बहुत तरह से आपको धन्यवाद कहते हैं। इसी के साथ मैं अनुरोध करूँगा सभी लोगों से कि वो कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जाने गने मन आदि नाम।